इंडिया। आज हमारे साथ हैं बीजेपी के श्री सुनील भनाना जी सर वेलकम टू आवर शो सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि एक एडवोकेट होके आपने राजनीति में कदम कब रखा कैसे शुरुआत हुई आपकी राजनीति दुनिया की हमारे परिवार में चौथी पीढ़ी है स्वयंसेवक परिवार की हमारे दादाजी स्वयंसेवक थे पिताजी प्रचारक और स्वयंसेवक के रूप में रहे <coughs> मैं स्वयं स्वयंसेवक रहा बेटा भी स्वयंसेवक है तो परिवार में पहले से ही सामाजिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी परिवार में भागीदारी रही है तो पढ़ते पढ़ते उसी क्षेत्र में और राष्ट्रभक्ति को लेकर के इस क्षेत्र में रहे तो नौकरी और व्यापार ना करके पूरा समय गरीबों में मजदूरों में मलिन बस्तियों में छोटे व्यापारियों में किसानों में उसी में पूरा समय अपना समर्पण कर रखा है और उधर से अच्छा यहाँ लगा के अपने मन की भी संतुष्टि अगर किसी की सेवा करके होती है तो उसे अपने आप को भी अच्छा लगता है तो इस कारण से इस क्षेत्र में रहें हमने सुना है कि आपका झुग्गी झोपड़ियों से और गरीब लोगों से काफ़ी लगाव रहता है तो अभी आप उनके लिए क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ में पुराने समय से ही यानी कि पहले मेरठ से अपने जनपद से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में मुझे पार्टी ने दायित्व सौंपा था उसके साथ साथ मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार जिलों जिलों में जाकर के झुग्गी झोपड़ी बस्ती मलिन को चिन्हित करके उनके बीच में जो योजनाएं नहीं जाती थी सरकार के द्वारा योजना बनाई जाती हैं और वो गरीब को उस योजनाओं का लाभ नहीं होता है उस योजनाओं को क्रियान्वित कराने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में और तहसील और ब्लाक स्तर तक मैंने जाने का प्रयत्न किया था और उनको हजारों परिवारों को जिनके पास बी कार्ड नहीं थे राशन कार्ड नहीं थे मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं थे वो मैंने उत्तर प्रदेश के मेरठ में गाज़ियाबाद में कानपुर में बरेली मुरादाबाद वाराणसी गोरखपुर लखनऊ आदि जनपदों में जाकर के उनको उस योजनाओं का लाभ उनका हक दिलवाने का मैंने काम किया था गरीबों के बीच में और उसी क्रम से भारतीय जनता पार्टी ने मेरे परिश्रम और पराक्रम को देख करके मुझे अखिल भारतीय जो मजदूर महासंघ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पे भारतीय जनता पार्टी का झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ उसका मुझे राष्ट्रीय सह संयोजक का दायित्व देकर के पार्टी ने मुझे भरोसा किया था कि वो जो गरीबों के द्वारा भारत सरकार से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में उन योजनाओं का क्रियान्वयन और जो उनके अंदर नशा आदि आदि जो विकार हैं उनको रोकने के लिए काम किया तो फिर पार्टी की तरफ से लगा के देश की भी आवश्यकता सुनिर्भरला की है मैंने जाकर के उस के बीच में भी हिंदुस्तान के 21 राज्यों में 21 राज्यों की जो झुग्गी झोंपड़ियाँ बस्तियाँ मलिन हैं उनको चिन्हित करवा करके राज्य के रहने वाले अपने जो समर्पित कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के पार्टी के उन सबके बीच में उस काम को खड़ा करने का काम मैंने किया और उसी में मेरी रुचि है और ये सारा पूरा आ, लोगों में एक चर्चा भी रही है है आज भी है कि जो झुग्गी बस्तियों में जो लो है, है, लोग अपेक्षित हैं पीड़ित हैं दबे कुचले लोग हैं जिनको आवश्यकता है जो लोग पीछे लाइन में खड़े हैं पंक्ति में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और पूजनीय दत्तोपंत ठेकणी जी का जो सपना था कि इस देश का गरीब मजदूर झुग्गी झोपड़ी बस्ती मलिन में रहने वाले परिवार को उसको सक्षम बनाना है उसमें मेरी रुचि है और उसी पर मैं काम करता हूँ मैं आज भी बगैर दायित्व के कई बार ये सोचता हूँ कि उस झुग्गी झोपड़ी बस्ती में जा के मुझे अपने आप को खुद महसूस होता है कि मैंने कुछ काम किया है कुछ का भला किया है कुछ गरीब को मैंने खड़ा करने का प्रयत्न किया है तो आज उन योजनाओं को जो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं वो उनके हक में और जो रात दिन गरीबों के बारे में सोचते हैं जो पूजनीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और पूजनीय दत्तोपण ठेकणी जी का जो सपना था उनके द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं उनको नीचे तक ले जाने का काम उस पर हम लगातार प्रयासरत हैं और उनको उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है बात योजनाओं की हो रही है तो आप पहले से अगर कंपेयर करके अभी देखें तो कितना डिफरेंस आया है कितना मतलब बदलाव आया है अगर योजना वहाँ पे लागू की गई हैं तो आपको लगता होगा आप भी देखते होंगे एक समय था कि झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में मलिन में उनके सामने बिजली तक का संकट था ऐसे देश के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सपने को साकार किया है मैं बताना चाहूँगा पूर्व में हम लोग लड़ाई लड़ते थे संघर्ष करते थे हम कहते थे कि झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में बिजली होनी चाहिए विद्युत होनी चाहिए उनके बच्चे को पढ़ने के लिए जो लालटेन मोमबत्ती से पढ़ने का प्रयत्न करते थे उनके प्रतिभा निकालने का एक संकल्प हम सब लोगों का है वो उसके तहत विद्युत नहीं मिल पा रही थी वो हिंदुस्तान का एक पहला राज्य था कि जो महाराष्ट्र मुंबई में जो प्रीपेड विद्युत कनेक्शन योजना की। और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश सरकार ने हमारी मांग पर हम बहुत लंबे समय जब प्रयासरत थे कि बिजली झुग्गी झोपड़ी बस्ती परिवारों को दिया जाए लेकिन उनको कोई कनेक्शन नहीं देता था उसके यहाँ कोई लाइन नहीं क्योंकि उनके पास अपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे घर के डाक्यूमेंट नहीं है वो झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में रहते हैं लोग तो वहाँ भी प्रीपेड कनेक्शन लेकिन उससे ऊपर जब देश के प्रधानमंत्री ने इसको सोचा कि उन गरीबों को कनेक्शन विद्युत कैसे मिलेगा तो उस पर सौभाग्य योजना एक लगाई गई और आज उसके माध्यम से पूरे भारत के जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती परिवार हैं या सामान्य परिवार है चाहे व्यापारी परिवार है सबको निःशुल्क बिजली देने का वादा और वो योजनाओं का लाभ उस पूरे देश को मिल रहा है दूसरा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो झुग्गी मुक्त भारत के संकल्प को लेकर के हम काम करते थे और काम करते हैं तो उस झुग्गी मुक्त भारत को लेकर के 2022 तक के भारत के झुग्गियों में रहने वाले परिवार को अपनी छत मिल जाए अपना घर मिल जाए तो ऐसी योजनाओं का लाभ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने पर जो तो देश का एक बड़ा हिस्सा है साढ़े दस करोड़ लगभग लोग ऐसे परिवार हैं जिन जो झुग्गी झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहते हैं उन परिवारों का सपना पूरा करने का एक संकल्प जो जज्बा लेकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं उनका सपना पूरा हो रहा है उनके घरों में बिजली जा रही है उनके घरों में गैस जा रही है जो फूंक मार मार कर उनके सीने पक जाए करते थे महिलाओं के और आँखों में धुएँ भर भर कर उनकी आँखें खराब हो जाए करती थी उनके फेफड़े खराब हो जाए करते थे वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन परिवारों में उस योजनाओं का लाभ मिल रहा है ये भारत के प्रधानमंत्री की सोच थी योजनाओं की बात हो रही है तो कल बजट भी बजट भी पेश किया गया है 2018 का तो उसमें कई ऐसे चीज़ें की गई हैं पेश जो सिर्फ ग्रामीणों के लिए और बड़े वर्गीय लोगों के लिए मध्यम वर्गीय लोगों के लिए इतनी सारी चीज़ें बदलाव नहीं किए गए हैं तो क्या इस इस वजह से आगे 2019 में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर इसका असर पड़ सकता है देखिए निसी दुबे जी ये बजट आपको पढ़ना पड़ेगा और उस बजट को बहुत गंभीरता से पढ़िए पहले प्रधानमंत्री देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो चिंता की है जिस वर्ग के बारे में कोई सोचता नहीं था आज उस की इस बजट में बात की गई है मैं आदरणीय अरुण जेटली जी को बधाई देता हूं कि बहुत ही अच्छा बजट दिया गया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी को मैं बधाई दूंगा इस बात की कि सबसे अच्छा बजट इस बार आया है उस बजट को आप देखेंगे पचास लाख पचास लाख नहीं पचास करोड़ परिवारों को जहाँ आपको हेल्थ जिसकी समस्या है परेशानी है जो गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता उसको इस बजट में हेल्थ के लिए रखा गया है स्वास्थ्य के लिए अगर मेरा सब कुछ ठीक रहे और मेरा स्वास्थ्य ठीक ना रहे तो कुछ भी अच्छा नहीं है तो मैं कहता हूँ कि पहली बार पचास करोड़ परिवारों के लिए हेल्थ योजना जो कि जो पीड़ित लोग हैं जिनको भी गंभीर बीमारी हो जाती है उसका सीधा इलाज कराने का उसमें प्रावधान दिया गया है बजट में और आपको 2022 तक झुग्गी मुक्त भारत का उस बजट में संकल्प लिया गया है कि जो साढ़े दस करोड़ और ऐसे जो अगर देखते हैं कि जो गाँव के भी हम लगाते हैं लगभग बत्तीस करोड़ परिवार हैं जिनको छत चाहिए उसका संकल्प दिया गया है तो उसमें किसानों को आप देखिए कि उनके किसानों की जो आय है जो फसल की आमदनी बढ़ाए बगैर किसान उन्नति नहीं कर सकता उन्नति नहीं कर सकता उस बजट में इस योजनाओं का ध्यान रखा गया है कि किसानों की आय कैसे बढ़ेगी किसानों को मजबूत कैसे होंगे इस देश का भारत का किसान कैसे ताकतवर बनेगा उसका जो फसल का मूल्य जो वाजिब मिलेगा उस पर चिंता की गई है इस बजट के अंदर और गरीब परिवारों के लिए पूरा बजट है ये तो आज ये बात कह सकते हैं कि जो बड़े घराने हैं उनका बजट में नहीं है तो उसमें आपका मोटरसाइकिल देखिए आपका साइकिल देखिए आपके छोटे चीज़ें देखिए तो उसको बढ़ाया गया है उस बजट को दिया गया है तो बजट में कहीं भी अगर आप देखेंगे तो उसे बहुत गरीबों के लिए है लेकिन हाँ जो लोग चर्चा करते हैं जिस बात की क्योंकि एक हमारे देश में बड़ी समस्या ये है कि अगर कोई गरीब को कोई चीज़ मिलेगी तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे उसका वो नहीं होगा क्योंकि इस देश को चलाने वाले लोग कुछ लोग बड़े लोग हैं वो चलाते हैं इस देश को तो अब ये चिंता हो रही है कि एक गरीब और चाय पीने वाला चाय पिलाने वाला एक देश को चला रहा है तो वो गरीब गरीबों के बारे में चिंता करता है तो उसकी चर्चा लोग नीचे करते हैं लेकिन वहाँ जिस स्तर पर इसकी चर्चा होनी चाहिए क्या हेल्थ उनका ठीक ना रहे उनको योजनाओं का लाभ ना मिले उन्हीं के लिए तो देश में सरकारों का काम है जितने भी ए, ए, सामाजिक संगठन है उन सबका उन्हीं के बीच में तो काम करने का सबका संकल्प लेकर के काम करते हैं अगर उनको ही वो चीज़ नहीं मिली तो फिर किसको मिलेगी तो इस बजट में अगर सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए और पूरे बजट को पढ़ा जाए ठीक से तो उसमें गरीब ही गरीब और जो निर्मल आय वर्ग के लोग हैं जो ब्लू प्रॉपर्टी लाइन के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं तो उस बजट में उनको देखा गया है और उसको क्रियान्वयन कराना हम सब की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है सरकार के काम को नीचे तक लेकर के जाना और उनके परिवार के दरवाजे तक छोड़ के आना ये हम सब की जिम्मेदारी है तो इस बजट में निश्चित रूप से इस भारत के जो गरीब दबे कुचले लोग पीड़ित लोग जिनको ऐसा है जिनको समस्याओं से जूझ रहे हैं जो इस देश का असंगठित क्षेत्र में मजदूर जो काम करने वाला है चाहे वो घरेलू कामगार है खेती और किसान है, चाहे वो आपका देखा होगा आपने ये तो पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसे आप देखेंगे जो सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने वाले जो घर से निकल करके आए हैं उनकी चिंता की गई है साढ़े तेरह हजार रुपये आठ घंटे की ड्यूटी अगर किसी ने चिंता की तो वो भारत की सरकार ने की बारह रुपये की बीमा योजना की अगर चिंता की तो भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की उज्ज्वला गैस की योजना की अगर चिंता की तो भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की तो सरकारें तो बहुत आई गई हैं लेकिन एक तरफ़ा उस गरीब के बारे में बात करने वाला एक पहला व्यक्ति देश के अंदर आया है जो चाय पिलाने वाले के नाम से लोग उसका वो माखोल उड़ाता उड़ाते थे आज वो है तो इस बजट को अगर कहा जाए तो सौ में सौ नंबर दिए जाए जो सौ में से दो नंबर दे रहे हैं उनको ये बजट पढ़ना चाहिए पहले और उसको ध्यान में रखना चाहिए लेकिन विपक्ष इसको तो लोक लुभावन बजट कह रही है इस पर क्या सच्चाई है सच्चाई ये है कि विपक्ष के पास और कोई मुद्दा है नहीं अभी वो जो नारे देते थे नारे देते थे कभी गरीबी हटाओ कभी गरीबी भगाओ कभी रोटी कपड़ा और मकान तो ऐसे नारों पर चुनाव लड़ते थे लोग तो वो विपक्ष को ध्यान में आता है कि हम चूक गए हम जिस मिशन को लेकर के आए थे वो उससे भटक जाते हैं वो आर्थिक संपन्नता में लग जाते हैं तो आज उनको देखना चाहिए कि वो अवसर नहीं है जो हल्ला मचा रहे हैं तो उन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और विपक्ष की भूमिका है कुछ ना कुछ कमी ढूंढना और जब वो कमी ढूंढेंगे उसको हम मजबूताई से पकड़ते हैं और हम काम करते हैं उसमें आगे बढ़ाते हैं उस चीज़ों को लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम घटाए नहीं गए तो इस पर आप कुछ कहेंगे वो देखिए पेट्रोल और डीजल जो है पेट्रोल डीजल के दामों का ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से जुड़ा है भारत में उसके खनन नहीं है तो जिस प्रकार से वहाँ बढ़ता है तो यहाँ भी बढ़ जाता है वहाँ घटता है तो यहाँ भी घट जाता है लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और हमारे देश के वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी उस पर उनके ध्यान में है उस पर भी चिंता कर रहे हैं वो कि इसको कैसे कम किया जाए अभी दो रुपये कम भी किया है तो प्रयत्न है कि डीजल और पेट्रोल के दामों में गिरावट लाई जाए क्योंकि तो वो भी आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है तो इस पर ध्यान है तो उस पर भी समय आने पर वो भी जल्दी कम होगा और उसकी योजना सरकार बना रही है सर अभी हाल ही में एक कासगंज में एक घटना हुई थी जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया सर उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे देखिए कासगंज की घटना एक सामान्य घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में जो ये कासगंज की घटना हुई है ये देश की बड़ी घटना है और मैं कहना चाहता हूँ इस बात पर ये उत्तर प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से ये घटना हुई है आदमी और नौजवान मरते रहते हैं एक्सीडेंट होते रहते हैं लेकिन इस घटना का स्वरूप अलग है बिल्कुल भारत के अंदर और गणतंत्र दिवस मनाते हुए और तिरंगा यात्रा जाते हुए ले जाते हुए भारत माता का जयकारा लगाते हुए जिस स्वतंत्रता कराने में जिन परिवारों ने अपनी बलि दी और उस गणतंत्र दिवस को मनाते समय और तिरंगा यात्रा को निकालते समय एक ऐसे शहीद चंदन गुप्ता को गोली मार के हत्या की जाती है इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो नहीं सकती और वो भी उत्तर प्रदेश में जहाँ अट्ठारह की क्रांति जहाँ मेरठ से मंगल पांडे की भूमि से हुई हो जहाँ इस उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने बिगुल फूका हो जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया हो झांसी के अंदर ऐसे आदि महान योद्धाओं की उस भूमि ने जहाँ पर शाहजहानपुर में अश्फाक उल्ला खां जैसे लोगों ने जन्म लिया हो जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए जंग लड़ी हो ऐसे जो लाखों लोग अपनी जान देकर गए हों और उस दिन दो समुदाय के लोग लड़ जाएं और उसको मार दिया जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सामाजिक वैमन्स का एक ये संकेत दिखाई दिखा दिया है इसको सबको मिलकर के हमें रोकना पड़ेगा और ऐसे इस कलंकित उत्तर प्रदेश को जो किया गया है वो शर्मसार जो किया है मैं कहना चाहता हूँ इस पर उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ़ क्योंकि ये इस उत्तर प्रदेश की जनता को झकझोर दिया है जहाँ उत्तर प्रदेश में भगवान राम जन्म में जहाँ भगवान श्री कृष्ण की भूमि हो भगवान शंकर वाराणसी में बैठे हो ऐसे उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ और वो भी तिरंगा यात्रा को मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ और उस पर हमारे मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी वो उस पर बहुत गंभीरता से उसको ले रहे हैं और उसको निश्चित रूप से उस घटना पर जो भी करने वाले लोग हैं चाहे वो कितने भी बहुबली हैं और कितने भी वो प्रभावशाली लोग हैं उनको बड़ा दंड इस पर मिलना मिलेगा ऐसा मुख्यमंत्री जी उसको लिए हैं संज्ञान को लेकिन अंत में इस घटना को मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ और मैं उस परिवार के प्रति भी मेरी संवेदना है कि दोनों पर दोनों समुदाय के लोग जहाँ तिरंगा यात्रा की बात करते हैं जहाँ देश के ए, कुर्बानी की और आज़ादी की बात करते थे आज वो लड़ रहे हैं उसको लेकर के तो कहाँ वो झंडा मतलब आ, अगर तिरंगा यात्रा भारत में नहीं चलेगी कासगंज में नहीं चलेगी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी क्या वो पाकिस्तान में चलेगी तो ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुई है बात अगर उत्तर प्रदेश की हो रही है तो पिछले पिछले कुछ सालों से जब से योगी जी की सरकार आई है इस साल से वहाँ का जो अपराध का ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है तो इस पर आप क्या क्या कहना चाहते हैं कितनी सच्चाई है इस बात में नौ महीने की सरकार बाबा हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार ने जो पिछली सरकारों के अंदर जो अपराध थे और जो अपराध के जो अभी संकेत दिखाई दे रहे हैं सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तो इसको आप इस ढंग से देखिए कि जो पिछले पंद्रह वर्षों से उत्तर प्रदेश की स्थिति ख़राब की जिन्होंने इसमें वेमन्स पैदा किए जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम करा जिन दलों ने जो वोट बैंक की राजनीति करने का काम करते थे उस पर हमारी सरकार ने आकर के अपराधों पर अंकुश लगाने का काम किया है हमारी सरकार में निष्पक्षता हो रही है सबका साथ और सबका विकास की बात हो रही है मैं कासगंज पे बताना चाहता हूँ अपराध की बात करते हुए अगर निष्पक्षता ना होती तो माता चामुंडा के मंदिर में वो दरवाज़ा लग गया होता लेकिन एक समुदाय के द्वारा रोकने पर वहाँ पर कासगंज में माता चामुंडा का मंदिर में दरवाज़ा नहीं लगने दिया और उस पर वहाँ के प्रशासन ने जो निकम्मा प्रशासन का काम कर रहा था वो उसने उसको गंभीरता से नहीं लिया तो उस घटना का स्वरूप वो भी है दूसरा अपराध बढ़ने की जहाँ तक बात है अपराध बढ़े नहीं हैं उत्तर प्रदेश में अपराधी भाग रहे हैं अपराधी काफ़ी अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में ये जरूर निश्चित बात हुई है कि पारदर्शिता आई है कि थानों में एफ दर्ज हो रही हैं थानों के अंदर लोगों की बात सुनी जा रही है हाँ थोड़ी बहुत जो समस्याएँ अभी हैं उसको बहुत जल्दी दूर किया जाएगा कुछ जो अधिकारी हैं कुछ थानेदार हैं जो पुरानी मानसिकता से काम कर रहे हैं उनकी मानसिकता को निश्चित रूप से वो ध्यान में आ रही है सरकार के और उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी या उनको वहाँ से हटाया जाएगा जो इस प्रकार के लोग हैं वो लेकिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ तो दावा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अगर हम अनुपात देखें इस समय तो पिछली पंद्रह वर्षों की सरकारों में एफ थाने में दर्ज नहीं होती थी उनकी बात नहीं सुनी जाती थी आज उस पर नियंत्रण हुआ है आज थाने में खूब बात सुनी जा रही है उनकी एफ दर्ज हो रही हैं कोई भी घटना हो रही है चाहे छोटी है चाहे बड़ी है वो सारी घटनाओं को संज्ञान लिया जा रहा है और उसका निस्तारण किया जा रहा है तो अपराध घट रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोगों का विश्वास जमा है बाबा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छे से चल रही है तो उसमें कोई संकोच नहीं है और कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं है वो सब उत्तर प्रदेश के लोगों में इस बात की चर्चा है अगर इस कासगंज की घटना को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश के नौ महीने में कोई बड़ी घटना नहीं हुई है ये एक उपलब्धि है योगी सरकार की तो मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े नहीं है घटे हैं 2019 में चुनाव होने वाले हैं तो उसमें बीजेपी की क्या रणनीति है चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति नहीं है हमारी बिल्कुल एक पारदर्शिता है और हमने जो काम किए हैं हमने जो जनता को 2014 में वादा किया था हम विकास का वादा किया था हमने युवाओं को रोज़गार का वादा किया था हमने इस बजट में भी प्रावधान बनाया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश चाहे देश सबको रोज़गार देने का काम करेंगे जो वादा हमने किया है वो हम पूरा करेंगे और जो हमने काम किए हैं पिछले जो चौदह के बाद अब तक हमने जो काम किए हैं उत्तर प्रदेश या देश के अंदर वो हम उन सारे काम के वादों को लेकर के हम जाएंगे और जनता के बीच में जनता हमें समर्थन दे रही है और भी देख भी रहे होंगे उत्तर प्रदेश हो चाहे आपका हिमाचल हो चाहे आपका अभी त्रिपुरा का चुनाव चल रहा हो चाहे आपका मणिपुर हो चाहे आपका जितने भी चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विश्वास जगा है देश की जनता का कि भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है जो ठप पड़ी हुई मशीन दी थी उन्होंने चलाया है उसको उसको खड़ा किया है वो दौड़ रही हैं और जो आज डी बनी है पिछले लंबे समय की रुकावट को देखते हुए देश के विकास को चाहे वो विदेशों का मामला हो आज सम्मान कितना है भारतीय नागरिक का चाहे वो बॉर्डर पर जवान को आज कितनी स्वतंत्रता मिली है वो गोली लग जाया करती थी तो, तो उसकी डेड बॉडी के संकेत पता भी नहीं लगता था तो आज सभी क्षेत्रों में हमने जो भी काम किए हैं चाहे वो गरीब के लिए काम किया मजदूर के लिए काम किया छोटे व्यापारी के लिए काम किया वो सारी चीज़ें हम लेकर के 2019 के चुनाव में जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे और निश्चित रूप से क्योंकि हम और कोई नीति नहीं हमारा विकास और सबका साथ और सबका विकास के मुद्दे पर हम जाएंगे चुनाव के मैदान में और निश्चित रूप से जनता हमको वो काम का जो पूरा अपना समर्थन हृदय के साथ भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः हमारी सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है सब विपक्षी दलों में हड़कम मचा हुआ उनके पास कोई मुद्दा नहीं है वो बहुत परेशान हैं और वो उनके पास कोई वो नैया नेता नहीं है तो आज नरेंद्र मोदी जी की कोई क्वाट नहीं है देश के अंदर और वो सब देश की जनता आज जान भी रही है कि जो डी बनाई है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और जो उनकी कुछ योजनाएँ पाइपलाइन में रखी हुई हैं वे सब बाहर आ रही हैं नीचे वे क्रियान्वित हो रही हैं आप मेट्रो को देखिए आप सड़कों को देखिए आदरणीय नितिन गडकरी जी का जो जाल सड़कों का जो बिछ रहा है नदियों से नदियों जोड़ने की जो योजनाएं आगे बढ़ रही हैं तेजी से उन सब योजनाओं को देख करके के और जो चाहे वो किसानों के मुद्दे हैं चाहे वो श्रेमिक मजदूरों के मुद्दे हैं तो हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में जो थोड़ा कष्ट कई चीज़ों में हुआ तो आज जनता उसे समर्थन दे रही है देश को ठीक करने का देश की ठप पड़ी मशीनरी को आगे बढ़ाने का काम किया है उत्तर प्रदेश में देखो अभी हमने कई गन्ना मीले हमारी जो हैं वे बंद पड़ी थी उनको चलवाया है कुछ गन्ना मिलों के मालिक जेलों में तो उन्हें बाहर निकल करके मिल चलवाई हैं और उनके पैराई हमने क्षमता बढ़ाई है तो हर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में हमारे डिप्टी सी आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कितना उसके अंदर परिवर्तन की बात करी है वो सब देख रहे हैं लोग चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे डिप्टी सी दूसरे वो अपने सड़कों को लेकर के पूरा गड्ढा मुक्त को लेकर के पूरा संकल्पित हैं वो लगातार सड़कों के निर्माण हो रहे हैं तो ये सारे काम हम लेकर के जनता के बीच में जाएंगे 19 में और हमें जनता चुनाव में पूरा भरपूर समर्थन देंगे तो आज मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि जब भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो वो कहते हैं कि इन्होंने मशीनों में गड़बड़ कर रखी है इन्होंने चिप लगा रखी है कि वोट डालते हैं सपा को आता है बीजेपी के पास वोट डालते हैं कांग्रेस को आता है बीजेपी के पास तो ये आरोप इनके सब खोखले भी दिखाई दे रहे हैं आप देखा होगा कल के रिजल्ट में देखिए जनता जहाँ हमारी परफॉर्मेंस है और जहाँ जनता अपना मत दे रही है उन सब चीज़ों को हम ठीक कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर अंकुश लग रहा है यहाँ पर सबके साथ सबके विकास की बात हो रही है वहाँ सारे चीज़ों को एक को ध्यान रख कर के चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र चे, है चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र है चाहे वो सेना का क्षेत्र है चाहे वो आपके किसी निर्माण कार्यों के क्षेत्र हैं उनमें सब में बढ़ोतरी है सब आगे चीज़ें बढ़ रही हैं तो मेरा कहना ये है कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने वाला है सामने टक्कर पे कोई है नहीं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता हृदय से और देश का युवा आज लगाव रखता है और चाहता है कि देश में सरकार अगर बने तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व सरकार बने सर लेकिन गुजरात चुनाव को अगर देखें तो बड़े ही कठोर बन के कांग्रेस खड़ी थी तो क्या 2019 में भी इसका सामना करना पड़ सकता है चुनाव में गुजरात चुनाव जो चाहे वो बड़े एन जी देश के चाहे वो सारे राजनीतिक दल मिलकर के एक साथ खड़े हुए हों वहाँ पर चाहे वहाँ विदेशी शक्तियाँ लगी हों वहाँ पाकिस्तान की शक्तियाँ लगी हों आदि शक्तियों के लगने के बावजूद भी और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का वर्षों से वहाँ शासन है उसके इनकम मैंसी फैक्टर को भी नकारते हुए वहाँ फिर भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बन जाती है तो जहाँ गुजरात की वो बात करते हैं तो उनको कुछ सोचना चाहिए ये विरोधियों को समझना चाहिए कि इतनी लंबी सरकार चलाने के बाद जनताओं में अभी भी जनता के अंदर कोई बड़ी नाराज़गी नहीं हुई है और फिर भी पूर्ण बहुमत की सरकार गुजरात में आ जाती है तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि व्यक्ति जब रहता है तो सबको खुश नहीं कर पाता है तो हमारी सरकार लगातार वहाँ काम कर रही थी और काम करने के उपरांत भी हम मानते हैं हम अपने आप को फेल मान लेते या भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार ने परफॉर्मेंस नहीं किया आदरणीय मोदी जी जिस गुजरात को छोड़ करके आए चाहे वो हमारी आनंदी बहन जी हों चाहे वो नितिन पटेल जी हों हमारे मुख्यमंत्री हों सारे लोगों ने करके वहाँ काम किया है फिर जनता ने उसको परफॉर्मेंस दे के आधार पर हमें सरकार बनाई है वहाँ और पूर्ण बहुमत की सरकार है और वहाँ कोई ऐसा नहीं है दो तो बम्फर होगा वहाँ सोचने की बात ही नहीं है कोई भी दो चुनाव के लिए आप क्या कहना चाहते हैं दो हजार 2019 को पहले वो नेता का इतने नेता का चुनाव करें अपना नेता ढूंढे पहले कि देश के लिए मोदी जी के बराबर में किसी को लागे खड़ा करें तो उनके पास वही नेता नहीं है अभी अभी देखना चाहिए उनको अपना परफॉर्मेंस और जनता के भारत की जनता को भरोसा देना चाहिए और उनके युवाओं में एक विश्वास जगाएँ वो कि भारत का नेतृत्व ये कर सकता है भारत के साथ न्याय ये कर सकता है भारत को आगे कौन बढ़ा सकता है भारत का इतिहास कौन बदल सकता है आज देख रहे हैं ना कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग ने आज दुनिया के अंदर अगर कोई भारतीय जाता है किसी भी देश के अंदर तो आज वो सीना छप्पन इंच का नहीं वो अट्ठावन इंच का सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है और वो कहता है गर्व से मैं भारतीय हूँ और उसका जब जाता है जिस देश में तो वहाँ उसका सम्मान करते हैं और कहते हैं कि ये कौन है कि ये मोदी के देश से आया है तो ये हमारा अट्ठावन इंच का छप्पन इंच का नहीं अट्ठावन इंच का सीना चौड़ा किया है भारत के प्रधानमंत्री अरे नरेंद्र मोदी जी ने तो इस प्रकार से समझना चाहिए वरना पहले जाते थे तो भारतीय नागरिक की कोई अहमियत नहीं होती थी और एहसास नहीं होता था कि मैं भारत से आया तो सोचते थे कि भकारी देश से आया होगा झुग्गी झोपड़ी बस्ती वाले देश से आया होगा तो उसको सम्मान नहीं देते थे आज लोग तरस रहे हैं आज भारत में आने के लिए लोग तरस रहे हैं कि हम कैसे यहाँ पर आकर के अपना व्यापार करें आज लोगों की समस्या है आज कंपटीशन हो गया है ज़ोरदार प्रदर्शन है देश के अंदर तो आज देखना है कि हमें ये सोचना चाहिए कि भारत कितना शीघ्रता से और तेजी से आगे बढ़ रहा है उस बढ़ते भारत के लिए हमें और कैसे प्रयास करें हम कैसे मजबूत करें भारत को हम कैसे ताकत दें और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम कैसे ताकत दें ये हमारा सबकी सोच होनी चाहिए विचार होना चाहिए उस विचार के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और भारत माता को परम भै पर ले जाने का संकल्प जो जनता ने हमें सौंपा है हम उसे पूरा करें ऐसा साहस इस देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी को दे मैं ये कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच सर हमारे सवालों का बड़ी आसानी से जवाब देने के लिए आपको भी धन्यवाद कि आपने आकर के और हम लोगों को इस बात पर प्रेरित किया अपनी बात रखने के लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ तो ये थे हमारे साथ सुनील बराना जी जिन्होंने बड़ी ही पारदर्शिता से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स इंडिया